बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फिर से एक्सटेंड करने के लिए। जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था फिर से मुंबई सिटी के साथ रहना चाहूँगा, और अभी मैंने वो कर दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट चीज़ तो जो हमेशा मेरे माइंड में रहती थी ट्रॉफी जीतना, और मुझे लग रहा है इससे अच्छा और कोई क्लब नहीं होगा मेरे लिए जो मेरे टाइटल और जीतूँ मैं। ऑलरेडी 3 साल में मैंने 3 जीत लिए और मुझे और चाहिए। पहले तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं और टाइटल जीतूं, तो मुझे लग रहा है मुंबई सिटी सबसे अच्छा प्लेस है मेरे लिए और टाइटल जीतने के लिए। और इधर देखा जाए बहुत यंग प्लेयर को चांस मिल रहा है और कोच ट्रस्ट दिखा रहे हैं यंग इंडियन प्लेयर्स पे, तो मुझे लग रहा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आई थिंक जब मैंने फुल डेब्यू किया था अपना मोहन बगान के साथ, जब मैंने 2 गोल मारे थे, वो मेरे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि एक ISL में फुल डेब्यू करना और डेब्यू पे 2 गोल मारना वो मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई थिंक अभी रिसेंटली जो चैम्पियंस लीग क्वालिफायर का मैच था जमशेदपुर के साथ, वो 3rd गोल, वो मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और लास्ट मोमेंट पे मैं चेंज पे जाके गोल मार रहा हूँ वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था, क्योंकि हमने एक बार फीलिंग ले लिया वो चैम्पियंस लीग की, तो सबको पता था, सब चाहते थे हम दोबारा खेलें। तो मैं गया तो गोल हुआ तो हम पक्का हो गए, हाँ हम अभी क्वालिफाई हो गए। कोच के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि वो मेरे पे अभी ट्रस्ट दिखा रहे हैं और गेम टाइम दे रहे हैं मुझे, और ऑन एंड ऑफ द फील्ड वी टॉक अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, फुटबॉल एंड लाइक फैमिली एंड एवरीथिंग। सो कोच के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप, हाँ वो भी एक बहुत बड़ा हो सकता है फैक्ट, क्योंकि उन्होंने भी 2 साल के लिए साइन किए हैं, तो वो भी एक मेरे लिए था, हाँ कोच से मैं तो आई वॉन्ट टू स्टे हियर। 2 साल बबल के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं ISL फर्स्ट टाइम फैंस के सामने खेल रहा था, तो थोड़ा अलग लग रहा था, क्योंकि ISL में फैंस ज़्यादा आते हैं, तो वो अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि फैंस के सामने खेलना एक अपने आप में एक अलग बूस्ट है, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, फैंस को रिज़ल्ट देना है, तो वो इस बार बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो शायद कहीं ना कहीं वो भी हमें हेल्प किया, क्योंकि फैंस ग्राउंड पे आ रहे थे, वो चीयर्स कर रहे थे, तो सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जीतने की, तो शायद वो भी हमारे टाइटल जीतने में बहुत मदद किया। पहले तो हो सके मैं और गेम टाइम अचीव करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ और टाइटल, जैसे लास्ट 3 सालों में 3, और आई होप अगले सालों में भी और आए, तो वो और अचीव करना चाहता हूँ। उनके लिए मैसेज वही जो हम ईस्ट बंगाल के साथ लास्ट मैच खेले जिसमें हम शील्ड उठाई, तो वैसी और मूवमेंट उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो फीलिंग बहुत अलग थी, पूरा हाउस फुल था, तो उनके साथ वो मूवमेंट शेयर करना, तो मैं यही चाहता हूँ अगले सालों में भी उनके साथ और वैसी मूवमेंट शेयर करें।